टच हो गया होगा ना। तो जिम्नोस्पर्म बारह जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पादप हैं। ऐसे बीजीय पादप हैं जिन्हें टेरिडोफाइटा के बाद बीज का जो स्वभाव उत्पन्न हुआ है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंतर्गत हुआ है। जिम्नोस्पर्म से आगे कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। इनको हम आवरण बीजी बोलते हैं, इनको अनावरण बीजी बोलते हैं, अर्थात बीज के चारों ओर कोई आवरण नहीं पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं जिनमें बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है, वो एंजियोस्पर्म पादप है। हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे, मुख्य लक्षणों के अंतर्गत हमने देखा कि जिम्नोस्पर्म मुख्यतया शीतोष्ण तथा उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। 725 से अधिक हमने इनकी प्रजातियाँ खोजी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि मुख्य रूप से इनके जो पादप होता है वह बूढ़ी होता है, ठीक कास्टीय होता है, ठीक है बड़ा वृक्ष होता है, या फिर कुछ झाड़ियाँ प्रकार झाड़ियाँ नुमा पादप जो है पाया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि इनमें जो स्टैम होता है वो शाखित होता है, जबकि साइकस में हमने देखा कि शाखित नहीं होता है, अत्यधिक शाखित नहीं होता है। इसके अलावा हमने रूट की बात की, रूट इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि दो प्रकार के रूट सिस्टम होते हैं, टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो इसमें जिम्नोस्पर्म में कौन सा पाया जाता है? टैप रूट सिस्टम, मूसला मूल रूप में पाया जाता है। पत्तियों की बात की तो पत्तियों में हमने देखा कि चक्रिक प्रकार से लीफ अरेंजमेंट हो सकता है या फिर एकांतरित रूप से उपस्थित हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ हमने पत्तियों के अरेंजमेंट के जो पर्ण विन्यास है उसके भी कुछ प्रकारों के बारे में कल बात की थी। आज हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म पादपों के जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होती है। जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होती है, देखिए जाइलम जो है जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक कहलाते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने। संवहन ऊतक कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के चार भाग होते हैं, कौन कौन से? वाहिकाएं, वेसल्स, वाहिनिकाएं, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम मधुतक, और इसके अलावा जाइलम रेज या जाइलम किरणें, ठीक है, या फाइबर्स भी कहते हैं वो, जाइलम फाइबर्स। ये चार प्रकार के उसमें ऊतक पाए जाते हैं, क्योंकि